आदिपुरुष के डायलॉग पर नेपाल में हंगामा इतना बवाल हुआ कि मेकर्स को वो हिस्सा हटाना पड़ा। अंधभक्त भड़क गए। आदिपुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में लग गई। इसका प्रमोशन भी खूब हुआ है। मार्केटिंग के अलग अलग फंडे अपनाए गए हैं। जब फिल्म का टीजर आया था तो रावण के लुक पर लोगों को आपत्ति थी। राम और हनुमान को चमड़ा पहनाने का विरोध हुआ था। सीता हरण वाले सीन पर भी कई आपत्तियां आई, पर ये सब भारत में हो रहा था। 15 जून को मामला नेपाल तक पहुंच गया। ऐसी नौबत तक आ गई कि फिल्म वहां रिलीज ना हो, ये सब हो रहा है एक डायलॉग और माँ सीता के जन्म स्थान को लेकर। इसके बाद मेकर्स को फिल्म में सुधार करना पड़ा। दरअसल ट्रेलर में एक डायलॉग है जिसमें सीता को भारत की बेटी बताया गया है। इस पर नेपाल से आपत्ति आई। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी मेयर बालिन शाह ने ट्वीट किया, साउथ इंडियन फिल्म आदिपुरुष में जानकी भारत की बेटी है का नारा शामिल है जो सही नहीं है, न सिर्फ नेपाल में बल्कि भारत में भी। जब तक ये नारा फिल्म में रहेगा तब तक कोई भी हिंदी फिल्म काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे ठीक करने के लिए 3 दिन का वक्त है। माता सीता की जय। टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया था। उसने भी यही रीजन दिया कि फिल्म में फैक्ट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर नेपाल की आपत्ति पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक शख्स ने लिखा, आदिपुरुष में एक डायलॉग है, जानकी भारत की बेटी है, नेपाल की आपत्तियों के कारण इसे हटा दिया गया है। अंग्रेजों और नेहरू की दूरदर्शिता से वो आज आपत्ति की औकात में है। इससे पहले नेपाल के पीएम रहते केपी ओली ने दावा किया था कि अयोध्या भी नेपाल में है। एक और ने लिखा, जब पॉलिटिकल मूव ही लेना था तो अखंड भारत ही बोल देते डायलॉग में, फिर नेपाल भी आपत्ति नहीं कर पाता। करण नाम के एक शख्स ने कहा, किसे फर्क पड़ता है, भारत में रिलीज के बाद भी लोग देखने नहीं जा रहे हैं। एक और ने लिखा, उनकी आपत्ति जायज है। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। खैर, अब कहा जा रहा है कि नेपाली सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कर दी है। मेकर्स ने विवादित हिस्से को फिल्म से हटा दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर वायरल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।